رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. محترم इस्लामी भाइयों, आज के इस मुख्तसर से दर्स में इल्म के हवाले से कुछ बातें आपकी खिदमत में रखना है। सूरतुर रूम की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुनियावी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बल्कि सारी चीज़ों का इल्म उनको है दुनिया के मसले में। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, लेकिन आखिरत की चीज़ों के हवाले से वो गाफिल हैं। आखिरत में जो चीज़ें उन्हें कामयाबी दिलाने वाली हैं उन चीज़ों का उन्हें इल्म नहीं है। अब आप देखें, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया के एतबार से बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, लेकिन आप उनसे दीन की कोई मामूली सी बुनियादी बात पूछ लीजिए, उसका इल्म उनको नहीं होगा। ठीक है, दुनिया कमाना चाहिए, बिल्कुल दुनिया हासिल करना चाहिए, बहुत सारी आपके पास डिग्रियां हों, शरीयत आपको मना नहीं करती, लेकिन आखिरत का इतना इल्म आपको ज़रूर होना चाहिए कि जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आखिरत के लिए कुछ काम कर सकें और आप अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचा सकें। तो इल्म के हवाले से सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए, चाहे हम उम्र के किसी भी मरहले में हों, हमें इल्म सीखना चाहिए। कुछ ना कुछ रोज़ाना हमें हासिल करना चाहिए इल्म के एतबार से। और अल्लाह का फजल है कि आजकल आसानियाँ हैं, उलमा आपके पास आते हैं, दुरूस होते हैं, वीडियोस की शक्ल में, ऑडियोस की शक्ल में बयानात मौजूद हैं। आप रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं दीन के हवाले से। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप जानते हैं पहली वही नाजिल हुई, उसका ताल्लुक़ इल्म से, और अल्लाह ने दुनिया की तमाम चीज़ें सीखने से पहले अल्लाह ने फरमाया तौहीद का इल्म सीखो, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। ऐसा क्यों है? इसलिए कि इल्म आपको दूसरों से अलग कर देता है, इल्म आपको मुमताज़ बना देता है। इसकी एक मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल माईदा में जिक्र की है। अल्लाह ने फरमाया एक कुत्ता जो होता है, कुत्ते की क्या हैसियत है? कुत्ता एक नापाक जानवर है, एक नजिस जानवर है, और वो हमारे जिस्म से टच ना हो जाए हम इसकी फिक्र करते हैं। कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे, शरीयत ने कहा 7 मरतबा उसको धोना है, तब जाकर के आपका बर्तन पाक होगा। इतना नजिस और गलीज जानवर जिससे आप हर सूरत में बचना चाहते हैं, और बाज़ सूरतों में जिसे शरीयत ने मारने की तालीम दी है, लेकिन अगर वही कुत्ता इल्म वाला हो, अगर वही कुत्ता कल्बे मुअल्लम हो कि आपने उसे सिखाया हो, तो ये दूसरे कुत्तों से मुमताज़ हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह। इंसान जानवरों का शिकार करता है, तो जानवरों को शिकार करने में कई तरीक़े हैं, उन्हीं में से एक तरीका यह है कि आप कुत्ते को सिखा दें, ट्रेनिंग दे दें। अब ये कुत्ता जब शिकार करने जाएगा तो इसका शिकार किया हुआ जानवर आपके लिए हलाल हो जाएगा। क्यों ऐसा? इसलिए कि ये सिखाया हुआ कुत्ता है, ये समझाया हुआ कुत्ता है, ये ट्रेनिंग दिया गया कुत्ता है, ये दूसरे कुत्तों से मुमताज है, दूसरे ऐसे तमाम जानवरों से मुमताज है। ये इल्म का कमाल है कि एक कुत्ते को सिखा दिया जाए, बता दिया जाए, ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो दूसरे तमाम कुत्तों से, तमाम जानवरों से मुमताज हो जाता है। और इसीलिए आप देखें, ऐसा कुत्ता अगर कभी उसे मार्केट में निकलना हो तो चौराहे और गलियों के कुत्तों के साथ वो नहीं घूमता, बल्कि वो अकेला रहना चाहता है, इसलिए कि उसके पास इल्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म को, इसकी अहमियत को समझाने के लिए ये मिसाल जिक्र की है कि एक कुत्ते के पास अगर इल्म आ जाए वो दूसरे कुत्तों से मुमताज, तो एक इंसान के पास अगर इल्म आ जाए तो वो कितना दूसरों से मुमताज हो जाएगा, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इल्म आपको मुमताज बनाता है, तरक्की देता है, कामयाबियां देता है। दूसरी मिसाल आप देखिए, इल्म आपको ताकत भी देता है, कुव्वत देता है, पावर देता है। दुनियावी हिसाब से भी देख लीजिए, अगर आपके पास दुनिया की चीज़ों का इल्म है, आपके मुल्क के आइन और इसके दफात और उसके कवानीन के हवाले से आपको इल्म है, एक पुलिस वाला आपसे बात करते हुए डरेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई इल्म नहीं है तो आपको कहीं कोई बेवकूफ़ बना जाएगा कि ऐसा है, वैसा है, ये है और वो है। तो दीन की बात जब आती है ना, तो अगर आपके पास दीन का इल्म है तो ये दीन का इल्म आपको ताकत, कुव्वत और पावर देता है, आपको बेखौफ बनाता है, निडर बनाता है। इसकी एक मिसाल देखिए, ये मिसाल भी जानवर की मिसाल है। सूरतुल नमल में अल्लाह ने जिक्र किया है कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि उनके लश्कर में से एक परिंदा गायब है जिसका नाम हुदूद है, तो उन्होंने कहा मुझे हुदूद नजर नहीं आता, क्या वाकई गायब है, क्या वाकई गायब है? और कहा अगर वो गायब है तो मैं उसको बहुत सख्त सजा दूंगा, या उसको ज़बह कर दूंगा, या अपने गायब होने की कोई दलील मेरे पास लेकर के आए। थोड़ी देर गुजरी और वो हुदूद परिंदा सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होता है और क्या कहता है, इन्नी अहत्तु बिमा लम तुहित बिह वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। अब आप सोचें, एक छोटा सा परिंदा है और सामने कौन है, वक्त का सबसे बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया का, जो लोगों के हिसाब से बात करें जमाने का सबसे बड़ा बादशाह है, उससे बड़ा बादशाह दुनिया में कोई नहीं आया, सुलेमान अलैहिस्सलाम। आप सोचें, एक परिंदा गायब है, बिना बताए वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की परमिशन के गायब हो गया, आएगा एक बादशाह के सामने पहुंचा है तो उसको डरना चाहिए, उसे खौफ आना चाहिए कि मुझे जवाब देना है, लेकिन उसके पास दलील थी, उसके पास इल्म था, बेखौफ और निडर होकर पूरी ताकत से कहता है, इन्नी अहत्तु बिमा लम तुहित बिह, सुलेमान मैं आपके पास एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसकी खबर आपको भी नहीं, वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, और मैं आपके पास सबा नाम के इलाके से पक्की और सच्ची खबर लेकर के आया हूँ। आप सोचें, हुदहुद परिंदे को वक्त के बड़े बादशाह के सामने इल्म ने ऐसा बेखौफ बना दिया कि उसको अपने गैर हाजिरी की भी परवाह नहीं रही और उसने बबांगे दहल ये ऐलान किया कि मेरे पास एक पक्की खबर है, आपको तहकीक करना हो तहकीक कर लीजिए। इल्म आपको ताकत देता है, इल्म आपको कुव्वत और पावर देता है, इसलिए हमेशा इल्म सीखिए ताकि आप दूसरों से मुमताज भी हो जाएं और आपके पास पावर भी आ जाए। ऐसे ही इसी सूरा में आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म के हवाले से एक और बात बयान की है कि अगर आपके पास इल्म है तो ये इल्म आपको बहुत आला और अलग लेवल की सलाहियतें अता करता है, बहुत अलग लेवल की सलाहियत होती है। अल्लाह ने फरमाया कि जब बात आगे बढ़ी, सुलेमान अलैहिस्सलाम को बात पूरी मालूम हुई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन, कि कौन मेरे पास मलिके सबा का तख्त लेकर के आएगा इससे पहले कि वो मुसलमान होकर के हमारे पास आ जाए। तो एक जिन्न उठा और कहता है कि मैं लेकर के आऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी देर में? कहा आप अपनी जगह से खड़े होंगे इतनी देर में मैं लेकर के आ जाऊंगा, और मैं ताकतवर भी हूं, अमानतदार भी हूं, मैं पूरी अमानत के साथ वो तख्त ले आऊंगा। 1 महीने से ज्यादा का सफर है, कह रहा है कि आपके अपनी जगह पर खड़े होने से पहले मैं ले आऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा यह देर हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, कोई और है? तो अल्लाह ने क्या जिक्र किया? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। एक बंदा खड़ा होता है और कहता है, अल्लाह ने कहा उसके पास इल्म था किताब का। कौन सी किताब? वल्लाहु आलम। उसके पास किताब का इल्म था, वो जादूगर नहीं था, जादू के जरिए बात नहीं कर रहा था, उसके पास इल्म था। कहने लगा मैं लेकर के आऊंगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी देर में? कहा इतनी देर में कि आपकी पलक झपके, उससे पहले ही मैं वो तख्त हाजिर कर दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन, और पलक झपकी नहीं उतनी देर में मलिका सबा का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गया। इल्म आपको एक अलग लेवल की सलाहियत अता करता है, ऐसी सलाहियत कि दूसरे हैरान होते हैं कि इल्म की बुनियाद पर यह इंसान कहां से कहां पहुंच गया। तो हमें इल्म हासिल करना चाहिए ताकि हमारे अंदर मुख्तलिफ तरह की सलाहियतें पैदा हो जाएं। ऐसे ही इल्म आपके वक्त में बरकत लाता है, इल्म आपकी जिंदगी में बरकतें लाता है। आप सलफ को देखिए कि कैसे मुख्तसर वक्त में उन्होंने कितना इल्मी काम किया है। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह 661 हिजरी में पैदा हुए, 728 हिजरी में इंतकाल हुआ। 68 साल की 68 की एज में, उस उम्र में उनका इंतकाल हुआ। लेकिन सिर्फ 68 साल की उम्र में शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने वो काम किया कि दुनिया हैरान है। छोटी बड़ी 514 किताबें लिखी उन्होंने, छोटी बड़ी 514 किताबें। यही 24 घंटे उनके पास भी थे, लेकिन इसी 24 घंटे में उन्होंने अपनी जिंदगी इल्म को दिया, तो इल्म ने बदले में उनकी ज़िंदगी में बरकतें दाखिल कर दिया, उनकी ज़िंदगी में बरकतें आ गई। और ऐसी बरकतें आई कि एक इंसान हैरान है कि कोई 68 साल की उम्र में, उसमें भी बचपन का ज़माना है, 10-15 साल का ज़माना, बचपन की ज़िंदगी का ज़माना है, और फिर ऐसे अय्याम हैं कि शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जेल में अपना एक लंबा अरसा गुजारा है, जेल के अंदर एक लंबा अरसा गुजारा है। तो इल्म आपकी जिंदगी में, आपके वक्त में बरकतें लेकर के आता है, इल्म हासिल करना चाहिए। ये चंद बातें हुई। अब इस हवाले से आप देखिए हमारे ज़माने में क्या हो रहा है, हमारे दौर में क्या हो रहा है। होता क्या है, इंसान की एक एज है, एक उम्र है, इल्म हासिल करता है, और उसके बाद क्या करता है, वो इल्म हासिल करना छोड़ देता है। कुछ लोगों की उम्र 50 साल की हो गई है, कहते हैं अब इल्म क्या हासिल करें। इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, आप उम्र के जिस भी मरहले में हैं आप इल्म सीखिए। बहुत से ऐसे सहाबा थे, कोई 40 साल की उम्र में मुसलमान हुआ, कोई 50 की उम्र में, कोई 60 की उम्र में, लेकिन उन्होंने कुरान सीखा, कुरान का इल्म हासिल किया। हमें भी चाहिए कि हम कुरान सीखें। आज हमारे यहाँ लोग आसानियाँ तलाश करते हैं, कोई कन्नड़ा में जो है कुरान चाहता है, कोई तेलुगू में चाहता है, कोई रोमन में चाहता है, कोई हिंदी में चाहता है, कोई किसी और लैंग्वेज में चाहता है। अरबी कोई नहीं सीखना चाह रहा, क्यों भाई? कुरान अरबी में आया, कुरान अरबी में आया, आप अरबी सीखिए, अरबी में कुरान पढ़िए। यह क्या बात हुई कि आप तर्जुमे वाला कुरान पढ़ रहे हैं, या तर्जुमे वाला ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन यह क्या कि आप दूसरी लैंग्वेज का सहारा ले रहे हैं, तेलुगु का, कन्नड़ का, मलयालम का, और दीगर दूसरी जबानों का, उसमें कुरान नासिल नहीं हुआ। कुरान आपको अरबी में सीखना है, लेकिन मसला यह है कि कुरान को हम अपनी ज़रूरत नहीं समझते, इसलिए कि जो भी ज़रूरत हम समझते हैं उसको सीख लेते हैं। गाड़ी चलाना इंसान ज़रूरत समझता है, सीख लेता है, कार सीख लेता है, और मोबाइल चलाना सीख लेता है, नया मोबाइल, उसको इल्म नहीं है कि इसको कैसे चलाया जाए, सीख लेता है। कारोबार करना सीख लेता है, घर चलाना सीख लेता है, ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल की जानकारी हासिल कर लेता है, लेकिन कुरान नहीं सीखता, वो कुरान नहीं सीखता। भाई इंसान जिस उम्र में है उसे इल्म हासिल करना चाहिए, और बतौर ख़ास कुरान मजीद का इल्म हासिल करना चाहिए। उसको कुरान मजीद का इल्म हासिल करना चाहिए। आप ज़िंदगी के अंदर बहुत से पैसे खर्च करते हैं, आप 5,000 10,000 20,000 लगा करके एक आलिम एक हाफिज़ हायर कीजिए, कुरान मजीद पढ़िए, 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने में आप सीख जाएंगे, पढ़ते 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 आपको पढ़ना आ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि हम कुरान को ज़रूरत नहीं समझते, और जब ज़रूरत नहीं समझते तो सीखने की भी हमें फ़िक्र नहीं होती है। सहाबा किराम ने सीखा, सलफ़े सालेहीन ने सीखा, एक एक हदीस के लिए कई कई इलाक़ों का सफ़र किया है उन्होंने, कई कई मुल्कों का सफ़र किया एक हदीस के लिए। ये इल्म का शौक़ है। कितने ऐसे थे कि इल्म का शौक़ इतना था कि ज़िंदगी गुजर गई, शादी करने तक का मौका उनको नहीं मिला। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह आप देखें, इल्म में मसरूफ़ रहे, लगे रहे, शादी नहीं कर सके, और इतना अहम इल्मी काम छोड़ा उन्होंने कि कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा सही किताब सही बुखारी की तसनीफ़ की उन्होंने। ये हम शौक़ होता है इंसान के अंदर, अगर शौक़ हो तो वो जो है आसमान में चाँद तक पहुँच सकता है, वो खलाओं में जा सकता है, हवाओं में उड़ सकता है। लेकिन अगर शौक़ ना हो तो इंसान ज़मीन पर ही बैठा रह जाएगा। दुनिया ने तरक्की की, कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई, कैसे? कुरान पढ़ करके, दीन की बातों को पढ़ करके, शरीयत की बातों को पढ़ करके। लेकिन हम जहाँ थे वहीं हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेतारी आई है, नौजवान सीख रहे हैं, बड़े भी सीख रहे हैं, मजलिसों में बैठ रहे हैं, दुरूस में आ रहे हैं, लेकिन हमें और ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए कि जब तक इल्म नहीं आएगा तब तक हम सही मानों में बेहतरीन इंसान नहीं बन सकते। और शायद आपने सुना हो, अभी 2-3 दिनों पहले सऊदी अरब की एक 63 साल खातून ने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। पहले उसने पढ़ाई की, फिर उसकी शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, अब बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं, दादी और नानी बन चुकी है, लेकिन 63 साल की उम्र हुई और अभी पिछले दिनों उसने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 40 साल के बाद दोबारा उसने पढ़ना लिखना और तालीम हासिल करना शुरू किया। इंटरव्यू लेने वाले ने उससे पूछा कि आपको किस चीज़ ने दोबारा तालीम हासिल करने पर उभारा? उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि जब मैं अल्लाह के पास जाऊं तो मेरा नाम जानकारों में हो, मैं जाहिलों में से कहलाना पसंद नहीं करती। जहालत बीमारी है, जहालत ऐब है, इल्म रोशनी है। आप दुनिया के अंदर रोशनी लाना चाहते हैं, आपको इल्म हासिल करना चाहिए। इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे, कुरान सिखाए और कुरान से ही अपना रिश्ता और ताल्लुक बाकी रखे, मजबूत रखे। इसलिए इल्म हासिल कीजिए, और इल्म हासिल करने में कोशिशें कीजिए, मेहनतें कीजिए, वक्त लगाइए, कुर्बानियाँ दीजिए। ये इल्म आपको कभी भी ज़ाया और बर्बाद नहीं करेगा। और याद रहे, सिर्फ आरज़ुओं से, तमन्नाओं से कुछ हासिल नहीं होता। कुछ सीखना चाहते हैं, कोशिश करना पड़ेगा। बगैर कोशिश किए आप दुनिया में भी तरक्की नहीं कर सकते, दुनिया वालों के दरमियान कामयाब नहीं हो सकते, और ना ही आपकी इज्जत की जाएगी। इसलिए कि इज्जत उसी की होती है जो पढ़ना लिखना जानता हो, और जिसके पास इल्म ना हो लोग उसे जाहिल कहते हैं। सलफ़ में से किसी का कौल है कि इल्म की अहमियत के लिए ये बात काफ़ी है कि एक जाहिल भी अपने आप को आलिम कहलाना पसंद करता है। और जहालत ऐब है, बीमारी है, और इस बीमारी के लिए ये बात काफ़ी है कि एक जाहिल भी अपने आप को जाहिल कहलाना पसंद नहीं करता। खुलासे कलाम ये है कि हम सभी को इल्म के रास्ते में लगे रहना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए, और इल्म हासिल करने में जो भी तरीक़े मुमकिन हैं हमें वो तरीक़े इख्तियार करना चाहिए, उलमा से राबता रखना चाहिए, ताकि उलमा के ज़रिए हमें सही इल्म, कुरान और हदीस का वो इल्म जो कुरान और हदीस में महफूज है, वो हमें हासिल हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को सही मानों में इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इल्म हासिल करने के लिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कोशिशें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो कुछ हम सीखें, जानें, इल्म हासिल करें, उसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में अल्लाह ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे। ख़ातिमा हो तो ख़ातिमा बिलखैर हो। वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।